छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी सिरे पर बसा एक ऐतिहासिक जिला जिसका नाम है सुकमा, जो कि नक्सल प्रभावित की वजह से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में काफी प्रसिद्ध। 1 जनवरी साल 2012 को दंतेवाड़ा से अलग कर सुकमा को एक नया जिला बनाया गया। दोस्तों, सुकमा छत्तीसगढ़ राज्य का एक ऐसा जिला है जो कि शिक्षा के विकास में काफी पिछड़ा हुआ है, पर अब धीरे धीरे वहां के लोगों तक शिक्षा पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ राज्य का यह मात्र एक दूसरा जिला है जहां टीन का उत्पादन होता है। सुकमा जिले में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती है। यहां सबसे ज्यादा गोंड, मरिया, हलवा, धुरवा जैसी बहुत सारी अनेक जनजातियां यहां निवास करती है। आबादी में 29% लोग यहां शिक्षित वर्ग में आते हैं और इसी की वजह से यह भारत का सबसे कम पढ़े लिखे वाला जिला माना जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला विज्ञान केंद्र इसी जिले में बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ का सबसे घना जिला माना जाता है। यहाँ 63% जिला वन से घिरा हुआ है। इसे जंगल की रानी भी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ का मात्र एक ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से अपनी सीमा से जुड़ा हुआ है, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस जिले में तो विभिन्न प्रकार के आदिवासी निवास करते हैं, पर यहाँ सबसे ज्यादा 85% आदिवासी निवास करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सबसे गरीब जिला बीजापुर को माना जाता है। यह पहले दंतेवाड़ा का हिस्सा हुआ करता था। इस जिले की सीमाएं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से मिलती है। तेंदुलकर कमेटी के गरीबी मापदंडों के मुताबिक बीजापुर जिला 65.9% की गरीबी दर के साथ राज्य का सबसे ज्यादा गरीब जिलों में आता है। यहाँ के 40% से ज्यादा लोग गरीबी के साथ जी रहे हैं। यहाँ ज्यादा घने जंगल होने की वजह से यहाँ के लोगों के पास ज्यादा रोजगार के रास्ते नहीं हो पाते। यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी के ऊपर ही अपना जीवन चला रहे हैं। इस राज्य के गरीब होने का एक और कारण यह भी है कि यहाँ ज्यादा नक्सली पाए जाते हैं, क्योंकि जब भी सरकार यहाँ सड़क या फिर किसी भी चीज का निर्माण करने को जाती है तो यहाँ हमले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह कार्य रुक जाता है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ 100 से भी ज्यादा अधिक हमले हो चुके हैं। इन्हीं कारणों की वजह से यह जिला अभी हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा गरीब जिला है।